हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है एक नया वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि आप अपने फेसबुक से कोई भी फेसबुक रील को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आप भी अपना फेसबुक से कोई फेसबुक रील को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बार फ्रेंड ऐसा होता है कि जब हम अपना फेसबुक को यहाँ पे यूज करते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे बहुत सारा रील आने लगता है और फ्रेंड इसमें से कोई भी रील मुझे पसंद आ जाता है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट डाउनलोड करने का कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है जिससे कि आप अपने फेसबुक रील को डाउनलोड कर सको। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीका से कोई भी रील को डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक से। तो फ्रेंड बने रहें इस वीडियो में और फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो फ्रेंड यहां पे सबसे पहले आपको फेसबुक रील्स को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे फेसबुक रील्स को सेलेक्ट कर लेनी है। जिस भी रील्स को आपको डाउनलोड करना होगा आपको सिंपली उस रील्स को सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे एक रील्स को आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे फ्रेंड मुझे इस वाले रील्स को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है जिस रील्स को भी डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे जैसे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरह से पेज आएगा। आपको सिंपली कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करना है और इस रील्स का जो लिंक होगा उसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक हो जाना है और उसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कोई सा भी ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है फेसबुक रील्स डाउनलोड। और उसके बाद जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे रील्स डाउनलोड करने के लिए बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट में जो वेबसाइट आएगा सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं खाली बॉक्स दिया हुआ है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे खाली बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और फ्रेंड अभी जो आपने फेसबुक में रील्स का लिंक को कॉपी किया था वही लिंक को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिंपली इस डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होगा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो का जो क्वालिटी है यहाँ पे आ चुका है। आप जिस भी क्वालिटी में इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 360p में इसे डाउनलोड करना चाहता हूं तो यहां पे सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे एक छोटा सा ऐड आया है, ऐड को कट कर देनी है। और उसके बाद यहां पे देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, आपको सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो फ्रेंड देख रहे हैं ये हमारा जो रील्स है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और ये डाउनलोड भी हो चुका है। तो मैं इसे प्ले करके आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड देख रहे हैं ये रील्स हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से अपने फेसबुक से कोई भी फेसबुक रील को डाउनलोड किया जाता है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।